खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूपी के हसनपुर की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने पारिवारिक कलह के चलते ये कदम उठाया। वहीं जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो कितने भी नजर न आए, सिगरे में देखे मेरे तो नजर न पड़े, कहीं मैंने और से ही पूछी कभी हमारी लल्ली के पापा देखे हैं तो सब मना कर रहे। अच्छा, फिर किसने देखा कमरे में जाकर? पहले कमरे में, बाद में सास नंद ने देखा मेरी ने। बकरा बांधन को गई था। आप कहाँ रहती हैं? मैं तो पहले कमरे में रहती हूँ। थाना आदमपुर में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर वालों ने सूचना दी, सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो घर वालों ने पहले उसको उतार लिया था, लेकिन उनके प्रथम दृष्टया सस्पेक्टेड मामला दिखाई दिया। उसकी पीएम कराया गया है। पीएम कराने में उसकी हैंगिंग आई है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई तहरीर प्राप्त हो जाएगी तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया पुलिस अभी उसको आत्महत्या मानकर ही कार्रवाई कर रही है। ठीक। रात में तो हम आए थे, जंगल में गया था मैं ढूंढने भाई को। जंगल में से वापसी होते आ रहा था, दूसरे जंगल में जा रहा था। मुझे अनकार हुई कि घर पर मेरा भाई मरा पड़ा है कमरे में। क्या नाम है भाई का? अशोक। उसके बाद रोबा पीछे चालू। अच्छा, पुलिस सूचना दी गई है? पुलिस आई थी। पोस्टमार्टम में ली गई बॉडी? जी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है कि हमारा भाई अपने हाथ से मरा नहीं, मारा गया है। मारा गया है।